दुनिया में कई लोग हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर दुनिया में 10% लोग हैं जो लेफ्ट हैंड से भी लिख पाते हैं। आप कहेंगे कि हाँ तो ठीक है यार, इसमें भी कौन सी बड़ी बात, पर दुनिया में ऐसे जीनियस बच्चे हैं जो दोनों हाथों से एक साथ लिख पाते हैं, और वो अमेजिंग बच्चे इंडिया में हैं। तो आप तो कहेंगे ना आप कि OMG ये मेरा इंडिया। ये देखने के लिए मैं आया हूँ MP के सिंगरौली में। और यहाँ के वीणा वादिनी स्कूल में एक दो नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, वो भी एक साथ। जी हाँ, सही सुना आपने, एक साथ एक बार में दोनों हाथों से। और ये है इंडिया का एक लौता एम्बिडेक्स्ट्रस स्कूल। OMG, क्या सरपट सरपट हाथ चल रहे हैं इनके। आपको पता है ये सिर्फ एक ही लैंग्वेज नहीं बल्कि हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, अरबिक, रोमन जैसी 6 लैंग्वेजेस में भी लिख लेते हैं। एम्बिडेक्स्ट्रस यानी अपने दोनों हाथों को हर मायनों में इक्वल पावर के साथ यूज करना। बच्चों में इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल को डेवलप करने के पीछे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड तो लगेगा ही, और वो है स्कूल के प्रिंसिपल और फाउंडर BP शर्मा जी। एक्स आर्मी मैन शर्मा जी हमारे पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की एम्बिडेक्स्ट्रस स्किल से इंस्पायर थे। जो बच्चा नया आता है जिस हाथ से कलम पकड़ता है, कुछ दिन होता है, 1-8 महीने बाद उस हाथ को छोड़कर उसके दूसरे हाथ से पकड़वाता हूँ, फिर दूसरे हाथ जब शुरू हो जाता है फिर दोनों से पकड़वाना शुरू करता हूँ। 45 मिनट की क्लास में 15 मिनट हर बच्चा दोनों हाथों से उस सब्जेक्ट को लिखने की प्रैक्टिस करता है। दोनों हाथ से लिखने में हमें 3 घंटे का पेपर आता है, तो उसे 1-1.5 घंटे में कम्प्लीट कर लेते हैं। बच्चों के बेहतरीन कंसंट्रेशन की वजह है योगा, 1-2 जो यहाँ के बच्चों को हर दिन कराया जाता है। और तो और साइंटिफिक अप्रोच यूज करके खेल खेल में पढ़ाई भी हो जाती है। बाय गॉड, अगर मैंने ऐसी पढ़ाई की होती तो मैं भी एक साथ एक बार में एक कैमरा पर 2-2 शो होस्ट करता। अच्छे बच्चे कैसे? हम जैसे। ये बच्चे बच्चे नहीं एक वंडर हैं, इसलिए हमने बात की न्यूरोलॉजिस्ट से और जाना क्या वाकई दोनों हाथों से लिखने से बच्चों की डेवलपमेंट एक अलग लेवल पर होती है। नाउ इट्स वेल नोन दैट द ब्रेन सेल्स रिस्पॉन्ड टू रिपीटेटिव एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग इन साइज एंड नंबर एंड देयर कनेक्शंस। In this case, the children are doing activity with both their hands in 2 different languages, and therefore it is likely that both sides of their brain are being stimulated simultaneously, and the cells are enlarging and connections are developing on both sides of the brain. Hence, they might turn out to be smarter than normal kids who use only one hand and one language for writing. जो sensitive left part और right part में के जागृत हो जा रहे हैं, वो सुनने की भी इनकी क्षमता, जो दो विषयों को भी एक साथ सुन लेते हैं, देख लेते हैं, ये भी क्षमता बढ़ रही है। 42, 42, 44, 48, 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
टेबल्स याद हैं, मतलब इन बच्चों की उंगलियों में मोटर और दिमाग में कैलकुलेटर फिट है भैया। शर्मा जी कहते हैं कि फ्यूचर तो उनके बच्चों के नाम है, क्योंकि ये सब जीनियस बनेंगे और विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। आई होप बिना वादनी जैसे और भी एम्बिडेक्सस स्कूल्स खोले जाएं और इंडिया के भविष्य को बेहतर बनाए जाए। OMG ये मेरा इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस क्लिक ऑन फॉलो एंड सी फर्स्ट टू नेवर मिस अ अमेजिंग कॉन्टेंट।